ने रेमंड पर सवाल भेजा है। 40 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 1900 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। याद रखें स्टॉक में हाल ही डीमर्जर की एडजस्टमेंट भी हुई थी, लेकिन 1900 रुपए प्रति शेयर का उन्होंने अपना परचेस प्राइस बताया है। किरण, क्या राय रहेगी रेमंड पर अगर 6-8 से 1 साल का नजरिया होगा तो? रेमंड की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल जो स्टॉक्स थे उसमें तो एक अच्छी खासी मूवमेंट आई, वो एक टेलविंड था। साथ ही साथ इसके रियल एस्टेट नाम की भी हमने न्यूज देखी थी जहां पे एक डेवलपमेंट की बात हो रही, तो उसके चलते हुए एक शार्प अपमूव आया है। अब उस शार्प अपमूव के बाद हम देख रहे हैं कि काउंटर में कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी के पास है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में 1600 का मेंटेन करे, क्योंकि 1600 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये और नीचे जा सकता है। और ऊपर में कंडीशनल बाई है 1820, जैसे 1820 के ऊपर रेमंड टच करेगा या तो सस्टेन होगा तो चांसेस है इसमें नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलीज चालू हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से 1600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए, अगर 1600 ब्रेक करे तो एक बार के लिए प्रॉफिट करके निकल जाइए। बिल्कुल, तो 1600 का स्टॉप लॉस बनाए रखें, लेकिन 1820 अगर स्टॉक पर क्रॉस होता है तो शायद वहां से मोमेंटम दिखेगा इस स्टॉक पर।